हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा के लिए 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि बेस्ड होंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पे। जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो हमारी बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्वेश्चन दोनों में है। और आज ये जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको नेक्स्ट कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि आपको पता है कि मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वीडियो ऑलरेडी, उसके जितने भी टॉपिक हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। इसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, बच्चों के मैसेज आए हुए थे। और मैं प्रयास करूंगी कि यूनिट 3 और यूनिट 5 तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ साथ में, और मैं कंप्लीट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कराऊंगी। जैसे कि UK SSSC ने आज वेबसाइट पे शो कर दिया है कि हमारा 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने मोटिवेशनल वीडियो डाली थी, जब नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया था, तब भी मुझे पता था इस चीज का कि 30 मार्क्स का हमारा उत्तराखंड एलटी आने वाला है। उत्तराखंड एलटी परीक्षा का टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, सीखकर CDP वाला पोर्शन। तो यही गेम चेंजर है, मतलब ये सोचो आपका गेम चेंजर कहते हैं, मतलब आपका ये सोचो कि सिलेक्शन करवा सकता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ऐसी चीजें पढ़ें, सटीक पढ़ें, जिससे आपका सिलेक्शन तय हो जाए। किताब का लिखा हुआ से सिलेक्शन नहीं होता। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना बच्चों, वो 10 जगह से, अलग अलग जगह से मटेरियल कलेक्ट करके बना रही हूँ, ये मेरी गारंटी है। इसके क्वेश्चन देखने के बाद आपको नेक्स्ट कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो डेफिनेटली मैं सीरीज कंटिन्यूअसली करूंगी। कंटिन्यू मतलब वीडियो आएंगी ही आएंगी आपके पास, तो ये डिपेंड करता है आप पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप कमेंट भी करें आपको वीडियो कैसी लगी, और जो भी मैं इसमें क्वेश्चन पूछूंगी उसके आंसर भी आपने करने हैं। तो ये MCQs की हमारी सीरीज फर्स्ट है। इसके अलावा थ्योरिटिकल क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा रही हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया, अभी मैं केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ स्टेट स्टेट गवर्नमेंट में, उत्तराखंड में। तो उसी से जितनी हेल्प मेरी हो मुझसे हो पाएगी वो करूंगी, जितना स्टडी मटेरियल पॉसिबल होगा मैं प्रोवाइड कराऊंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए आएंगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सब कुछ चीजें पता है, स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में भी कुछ फैक्ट मैंने बताए हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, हाँ, मैंने इसमें टाइमर भी लगाया है बच्चों। आपको जो क्वेश्चन आते होंगे, आप मेरे आंसर देने से पहले 10 सेकंड का टाइमर लगाया, आप आंसर दीजिएगा। और जो जो आपके आंसर सही हो रहे, लास्ट में 40 क्वेश्चन है टोटल, आप बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए। तो देखते हैं, जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था UGC के बारे में डिटेल बताया था, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप कवर कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज यूजीसी स्टैंड फॉर? यूजीसी का अर्थ क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी गाइडेंस काउंसिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कंसोर्टियम। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं टाइमर। टाइमर हमारा हो गया है, 10 सेकंड से ज्यादा हमने लेना नहीं है। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो हमारा राइट आंसर है, सभी को पता है, टॉपिक का नाम भी था, तो इतना तो हमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आपने 10 सेकंड में कितनी जल्दी किया वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है। द यूजीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग विच लैंग्वेज एज अ लिंक लैंग्वेज फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया? भारत में उच्च शिक्षा के लिए संपर्क भाषा के रूप में किस भाषा को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी जिम्मेदार है? इसका मतलब यह है कि भारत में जो हायर स्टडीज है, उच्च शिक्षा है, जैसे डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, तो यूजीसी किस लैंग्वेज को प्रमोट करता है, कह रहे हैं किस लैंग्वेज को बढ़ावा देता है, ठीक है? तो आपके दिमाग में आएगा इंग्लिश, नहीं, ये मातृभाषा को ही प्रमोट, ठीक है, ये क्या करता है, इंग्लिश को प्रमोट ना करके मातृभाषा को प्रमोट करता है। तो ये हमारा 10 सेकंड का टाइमर है, आप बताइए इसका आंसर। हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन है हिंदी। हिंदी को जो मातृभाषा है इसको ये प्रमोट करता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पे है। व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC स्टेब्लिश इन इंडिया? भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1953, 1960, 1970 या 1980। टाइमर स्टार्ट हो गया है, आंसर दीजिए, जल्दी बताइए आंसर।
तो करेक्ट ऑप्शन है 1953। आपको पता है कि 1953 को यूजीसी स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी? यूजीसी द्वारा आयोजित नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हो सकता है और उद्देश्य भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा वो फोकस किस चीज पर करता है? नेट क्यों आयोजित कराई जाती है? तो पहला है टू असेस टीचिंग स्किल ऑफ कैंडिडेट, उम्मीदवारों के शिक्षण कौशल का आकलन करना, टू ग्रांट स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ कॉलेज एडमिशन, कॉलेज में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना, या फिर टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चररशिप एंड रिसर्च फेलोशिप, लेक्चररशिप और रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता निर्धारित करना। तो टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चररशिप एंड रिसर्च फेलोशिप, मतलब लेक्चररशिप और रिसर्च फेलोशिप के लिए जो पात्रता होती है, मतलब लेक्चरर अगर किसी को बनना है, ठीक है, आपको पता है नेट जब पेपर कराते हैं तो उसमें क्वालिफाई करने वाले जो टॉप टॉप मोस्ट जो शुरू की रैंक वाले होते हैं उनको नेट जेआरएफ मिलता है, उसके नीचे वालों को लेक्चररशिप मिलती है, एलएस मिलता है। तो ये जो रिसर्च फेलोशिप है उसी के लिए ये पात्रता निर्धारित करता है और नेट उसी लिए किया जाता है। आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं इस चीज को, है ना, नेट क्यों करते हैं। आप लोगों ने दिया भी होगा, कुछ क्वालिफाई भी होंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी? किस समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की थी? ऑप्शन है राधाकृष्णन कमेटी, कोठारी कमीशन, मल्होत्रा कमेटी या नरसिम्हा कमेटी। तो हम टाइमर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चलिए बताएं आपको। तो देखिए आप लोग टाइमर के हिसाब से करें, मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ टाइमर खत्म होते ही। तो हमारा सही आंसर है राधा कृष्णन कमेटी, जो राधा कृष्णन समिति बनी थी, ठीक है, उसमें उसके हिसाब से क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था, सिफारिश की थी कि हमारा यूजीसी की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूजीसी? यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष, बच्चों इस समय 2024 है, 2024 की बात हम कर रहे हैं कि इस समय प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर स्वामीनाथन, प्रोफेसर प्रियांक कानूनगो, प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार जी, प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव जी। तो टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर है प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार जी, ये हैं यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ यूजीसी? यूजीसी के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है या क्या है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर? टाइमर स्टार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है 3 ईयर, 3 साल। यूजीसी के जो उपाध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल, एक उपाध्यक्ष होता है आप सभी को पता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, तो उसका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूजीसी? यूजीसी की संरचना कितनी है? संरचना का मतलब होता है किस किस से मिलके यूजीसी बना हुआ है, यूजीसी में मेंबर कौन कौन होते हैं। तो ऑप्शन है पहला एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 10 मेंबर्स, 1 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 8 मेंबर्स, 1 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 7 मेंबर्स, या फिर 1 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन या 10 मेंबर्स। टाइम स्टार्ट हो गया है, बताएं। हिंदी में भी दिया है, हेल्प हो जाएगी आपकी। टाइम खत्म हो गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता है मैंने बताया था जब मैंने यूजीसी के टॉपिक को पढ़ाया था कि यूजीसी में एक होता है चेयरमैन, एक होता है वाइस चेयरमैन और 10 होते हैं मेंबर, जिसमें कुछ प्रोफेसर्स होते हैं मेंबर में, कुछ प्रोफेसर्स होते हैं, इसके अलावा जैसे लॉ है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, अलग अलग डिपार्टमेंट से भी इनमें क्या लिए जाते हैं, एक्सपर्ट लिए जाते हैं यूजीसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द मोटो ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आदर्श वाक्य क्या है? मोटो मतलब आदर्श वाक्य। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम,
सा विद्या या विमुक्तये, ज्ञान विज्ञान विमुक्तये या इनमें से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो करेक्ट ऑप्शन है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। शुरुआत में मैंने जब इसका स्टार्ट की थी वीडियो, तो आपने उसमें देखा हुआ था, मैंने लोगो ऐड किया हुआ था, ठीक है। एक चक्र था और बीच में नीचे बनी हुई थी किताब है, तो उसमें किताबों से नीचे लिखा था ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ, शिक्षा है सेंटर लिस्ट केंद्र सूची में शामिल है, स्टेट लिस्ट राज्य सूची में शामिल है, या कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है कंकरेंट लिस्ट। जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ, समवर्ती सूची में रखने का मतलब हुआ कि शिक्षा पर जो खर्चा होगा, ठीक है, शिक्षा पर जो पकड़ होगी या उस पर जो कमांड होगी, वो केंद्र की भी रहेगी, सेंटर की भी रहेगी और राज्य की भी रहेगी। इसी प्रकार अगर फाइनेंस की बात करें, तो शिक्षा में केंद्र भी खर्च करेगा और राज्य भी खर्च करेगा, ठीक है। तो हर तरीके से मतलब केंद्र और राज्य दोनों की पकड़ रहेगी शिक्षा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12। टाइमर में स्टार्ट कर दे रही हूँ, आप साथ में पढ़ते जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ यूजीसी टू कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग ग्रांट या रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सिटी या ऑल ऑफ द अबव। यूजीसी का कार्य कौन सा है पूछ रहे, तो बताइए। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि यूजीसी का काम होता है यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी उनसे कोऑर्डिनेट करना, इसके अलावा उनको ग्रांट प्रोवाइड करने का काम करता है, इसके अलावा मान्यता प्रदान करने का काम भी यूजीसी करता है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13। द हेडक्वार्टर ऑफ यूजीसी लोकेटेड एट, यूजीसी का मुख्यालय स्थित हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली या भोपाल, जल्दी बताएं। आसान क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया था। करेक्ट ऑप्शन इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में यूजीसी का कार्यालय या फिर हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे है। हाउ मेनी रीजनल सेंटर ऑफ यूजीसी, यूजीसी के कितने क्षेत्रीय, इसको रीजनल सेंटर कहते हैं, क्षेत्रीय केंद्र है, 2, 4, 5 या 6। तो करेक्ट ऑप्शन है 6। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी बच्चों, ट्रिक मैंने वो वाली वीडियो में बताई थी, आप उसमें देख सकते हैं। अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि उससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी है। आप लोग ऑप्शन में लिखेंगे, तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे वो ट्रिक क्या थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी याद करने की। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे। यूजीसी स्टेब्लिश्ड इन, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, इनोग्रेशन 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1953। करेक्ट ऑप्शन है 28 दिसंबर 1953। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ सीएसआईआर लोकेटेड, सीएसआईआर का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। आप सभी जानते हैं, साइंस वाले जो बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं, सीएसआईआर जो है वो नेट की परीक्षा कराता है। तो ये पूछ रहा है कि सीएसआईआर का कार्यालय कहाँ स्थित है, आप लोग बताएं। तो करेक्ट ऑप्शन है सीएसआईआर का कार्यालय भी यूजीसी के समान कहाँ है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली या नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। न्यू दिल्ली इसका सही है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है काउंसिल ऑफ, इसको लिख लीजिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, लिख लीजिएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीएसआईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17। यूनिवर्सिटी आर एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट एक्ट, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य अधिनियम के तहत की जाती, मतलब किस अधिनियम के किस धारा, ठीक है, जो अलग अलग, मतलब कौन सा एक्ट आया था जिसके तहत, कौन सा अधिनियम आया था जिसके तहत यूजीसी की स्थापना की गई है। ऑप्शन है 2F ऑफ यूजीसी 1956, या 2B, या 2G, या 12B, जल्दी बताएं। तो देखिए बच्चों, जो ये वाला है यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की बात कही गई थी, जो स्टेट एक्ट के तहत जो बात करते हैं यूनिवर्सिटी की स्थापना, ये की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2F ऑफ यूजीसी 1956। यूजीसी 1956 एक्ट आया था, उसके तहत ये कहता है 2F में
मेंशन किया गया है कि यूनिवर्सिटी को क्या, ठीक है, स्थापना जो है राज्य अधिनियम के तहत भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18, स्टेब्लिशमेंट ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी रिलेटेड टू विच ऑफ द सेक्शन ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। ये कह रहा है कि यूजीसी अधिनियम 1956 की वे कौन सी धारा है, वो कौन सा सेक्शन है जिसमें यूजीसी कहता है कि यूजीसी से अगर सलाह लेके अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा सकती है, मतलब अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी है तो यूजीसी से एडवाइस लेके उसकी स्थापना की जा सकती है, वो कौन सा सेक्शन है। इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करते हैं इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में बताया गया है कि यूजीसी की एडवाइस पर उससे सलाह लेके डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे, राइट टू कन्फर डिग्री, डिग्री प्रदान करने का अधिकार किस सेक्शन में है, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री दे सकती है, ये किस सेक्शन में कहा गया है, किस धारा में कहा गया है, ठीक है। 1956 के सेक्शन 12 में, सेक्शन 22 में, सेक्शन 23 में या सेक्शन 12 में। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सेक्शन 22, यूजीसी अधिनियम 1956 के सेक्शन धारा 22 में ये कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी है उन्हें डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया जाएगा, और किसे डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया जा सकता है, किसे नहीं दिया जा सकता है, इसी धारा में वर्णित है सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ वर्ड यूनिवर्सिटी बाय एनी इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट बॉडी इज अंडर, किसी भी संस्थान या फिर कॉर्पोरेट निकाय द्वारा विश्वविद्यालय शब्द का के उपयोग पर प्रतिबंध के अंतर्गत है। ये कह रहा है कि जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी शब्द यूज कर सकता है, तो वो कह रहा है हर कोई यूनिवर्सिटी शब्द यूज नहीं कर सकता है, तो वो किसी एक, जो यूजीसी एक्ट आया था 1956 में, उसकी किसी एक सेक्शन में बोला गया है कि हर कोई इंस्टीट्यूशन, हर कोई कॉर्पोरेट बॉडी यूनिवर्सिटी शब्द को अपने नाम में नहीं जोड़ सकता, तो वो कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 2F, सेक्शन 22, सेक्शन 23 या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 23 ऑफ यूजीसी। तो इसको याद रखिएगा कि यूजीसी मतलब जो यूनिवर्सिटी शब्द है उसको हर कोई अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये कहा गया है सेक्शन 23 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21, हु लेड द फॉर्मेशन फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव किसने रखी थी, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये पहला वाला है अब्दुल कलाम, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बताइए, ये तो आप जल्दी बता देंगे, इसमें तो 10 सेकंड का टाइमर नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें 10 सेकंड पूरे लगने चाहिए, आप उससे पहले ही बता दें। जब यूजीसी की स्थापना की गई थी, जब वो स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 28 दिसंबर 1953 को, तो उस समय शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, तो उन्हीं के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट चेयरमैन पूछ रहा है, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, तो ऑप्शन है प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर जी, या नन ऑफ दी अबव, इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर जी, जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और वे क्या थे, यूजीसी की जब स्थापना हुई थी तो उसके पहले चेयरमैन, पहले अध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23, फॉर द फर्स्ट टाइम द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज स्टेब्लिश टू ओवरसी विच यूनिवर्सिटी। ये कह रहा है कि यूजीसी की जब स्थापना, सबसे पहले यूजीसी की स्थापना की गई थी, तो वो कौन से विश्वविद्यालय थे जिनकी देख रेख, या वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको किस चीज की नीड है, हर एक काम की देख रेख, निगरानी, मॉनिटरिंग के लिए उनको रखा गया था, तो वो कौन से विश्वविद्यालय थे जिसके लिए बनाए गए थे, स्पेशली फोकस किया था, तो वो है क्या ऑप्शन, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या सभी। तो करेक्ट ऑप्शन है, आपको पता है मैंने शुरू में बताया था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इनके इनमें किस तरीके से काम हो रहा, किस चीज की इनको जरूरत है, हर एक चीज की मॉनिटरिंग करने के लिए यूजीसी की स्थापना की गई थी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सभी, मतलब ऑल।
ये तीनों विश्वविद्यालय के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 24। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2015 टू प्रोवाइड रैंकिंग टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या ये कह रहा है, भारत सरकार ने क्या किया था दिसंबर 2015 में, जो हायर स्टडीज वाले हैं, मतलब ये डिग्री कॉलेज समझ लीजिए, यूनिवर्सिटी समझ लीजिए, जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है उनको अलग अलग, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रैंकिंग देने के लिए, कि यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, इसको सेकेंड रैंक देंगे, तो रैंकिंग देने के लिए उन्होंने एक एक उसका ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, यूजीसी, नेक, एनआईआरएफ या बीसीआई? तो ऑप्शन बताइए आप लोग। ये मैंने बताया हुआ है आपको पहले, तो करेक्ट ऑप्शन है एनआईआरएफ। ठीक है, एनआईआरएफ हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन इसके फुल फॉर्म पे भी बना हुआ है, इसलिए वहीं पर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेक लोकेटेड? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेक लोकेटेड, NAAC कहाँ स्थित है का मुख्यालय? ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता या फिर न्यू दिल्ली। नेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नेक का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में, तो करेक्ट ऑप्शन है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26। नेक है स्टेचुअरी बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, बोथ या नन ऑफ दीज? नेक है वैधानिक निकाय, स्वायत्त निकाय, दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो बच्चों नेक जो होती है ऑटोनोमस बॉडी होती है, अपने हिसाब से काम करती है। यूजीसी ही इसकी स्थापना करती है नेक की। अभी आगे इसके क्वेश्चन है, यूजीसी के अंडर में काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये स्वायत्त है, ये अपने आप मतलब स्थापना उसने की है, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी है, अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से ये काम करेगा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। मैंने यूजीसी वाले टॉपिक में ऑटोनोमस के बारे में बताया, आप देख लीजिएगा वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन वाज द नेक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में नेक की स्थापना कब हुई, इंडिया में नेक की स्थापना कब हुई? 1952, 1986, 1994 या 2000? भारत में नेक की स्थापना कब हुई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों 1994 में नेक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पे, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रीडिएटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? भारत में शैक्षणिक संस्थानों के निर्धारित मानदंडों के अनुसार मान्यता देने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन है एनसीटी, एआईसीटी, नेक या एआईयू। शब्द एक्रीडिएटिंग जो है ना बच्चों, ये बहुत चीज बता रहे हैं, इसी से आपको पता चल जाएगा ये एक्रीडिएटिंग शब्द किसी में आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों नेक, जो यूजीसी के अंडर में एक ऑटोनोमस बॉडी है नेक, यही क्या करते हैं, मानदंड निर्धारित करती है और मानदंडों के आधार पर असेसमेंट भी करती है कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, और उसके बाद इनको क्या देती है, मान्यता देती है, और ये यूजीसी के अंडर में ही काम करती है। क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे, व्हाट इज द हाईएस्ट ग्रेड अवॉर्डेड बाय नेक फॉर एक्रीडिएशन? नेक द्वारा मान्यता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च ग्रेड कौन सा है? नेक मान्यता जब यूनिवर्सिटी को देता है तो उसमें अलग अलग ग्रेड प्रदान करता है, ठीक है, हर साल, हर साल। अब मैं बताऊंगी कब कब सर्वे होती है, क्वेश्चन है आगे को। तो ये सर्वे करता है, और सर्वे यूनिवर्सिटी में जाके सर्वे करता है, और सर्वे के बाद ये ग्रेड प्रदान करता है। तो हाइएस्ट ग्रेड कौन सा है, ग्रेड A3 पॉजिटिव, ग्रेड A2 पॉजिटिव, ग्रेड C या ग्रेड D, बताएं। तो करेक्ट ऑप्शन है, अब आप सोचेंगे A3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव यही होगा, जी नहीं, जो हाईएस्ट ग्रेड होता है बच्चों वो ग्रेड A पॉजिटिव होता है, और इसमें मार्क्स जो दिए जाते हैं नंबर नहीं दिए जाते, इसमें CGPA चलता है, CGPA लिख दीजिएगा, जिसे मतलब तय करे रहते हैं, ग्रेड D है तो CGPA इतना होगा, ग्रेड C है तो CGPA इतना होगा, ग्रेड A है तो इतना होगा, A पॉजिटिव है तो इतना CGPA होगा, A2 पॉजिटिव है, CGPA निर्धारित रहते हैं, हर ग्रेड में एक CGPA निर्धारित रहते हैं। CGPA की जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, बस आप इतना देख लीजिए, हाईएस्ट ग्रेड होता है ग्रेड
ए टू पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30। वो अपॉइंट्स द पीआर टीम फॉर असेसिंग एंड एक्रीडिएटिंग इंस्टीट्यूशन अंडर नेक। आपको पता है जो नेक इंस्टीट्यूशन है, नेक जो ऑटोनोमस बॉडी है यूजीसी के अंडर में आती है, ये क्या करता है, कॉलेजेस में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है और उनका असेसमेंट करता है और फिर मान्यता देता है, एक्रीडिएटिंग करता है। तो उसमें जो टीम जाती है ना, पीयर टीम बोला जाता है उसको, ठीक है, सहकर्मी टीम, पीयर टीम। तो वो जो पीयर टीम आती है तो उसमें कौन कौन रहेगा पीयर टीम में, ये कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक इटसेल्फ या यूजीसी? अभी एक क्वेश्चन चीज बताई थी, उसी का आंसर है। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने एक चीज बताई थी कि नेक इज अ ऑटोनोमस बॉडी, नेक स्वायत्त संस्था है, अपने डिसीजन खुद लेती है। तो नेक की जो कमेटी है, जो टीम है, उसमें कौन कौन जाएगा एक्रीडिएटिंग के लिए, असेसिंग के लिए? तो ये नेप क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है तो इसलिए खुद ही डिसाइड करती है कि कौन कौन पीयर टीम में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द एक्रीडिएशन साइकिल ड्यूरेशन फॉर इंस्टीट्यूशन एक्रीडिएटेड बाय नेक? नेक द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए मान्यता चक्र की अवधि क्या है? मतलब नेक की अगर हम बात करें तो नेक आपको पता है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में आते हैं और क्या करते हैं, असेसमेंट करता है कि जो उन्होंने मानदंड निर्धारित किए हैं उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस में सारे कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो जो एक्रीडिएशन के लिए, वो जो असेसमेंट के लिए आते हैं, वो कितने सालों में विजिट करते हैं, जो पीयर टीम आती है वो कितने सालों में विजिट करती है? तो ऑप्शन है 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स या 10 इयर्स। इसके बारे में मे बी आपको नॉलेज ना हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, हर 5 साल में, 5 साल बाद क्या करते हैं, वो पीयर टीम आती है हर यूनिवर्सिटी में और क्या करती है, असेसमेंट करती है, उसी के हिसाब से उनको ग्रेड मिलते हैं और सीजीपीए मिलते हैं। तो 5 इयर्स का इसमें ड्यूरेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन 32। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजीसी एक्ट ऑफ 1956? यूजीसी अधिनियम 1956 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? देखिए उद्देश्य तो सभी होंगे लेकिन ज्यादा फोकस किस पे किया था, प्राइमरी उद्देश्य, उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक्रीडिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, कंडक्टिंग नेशनल लेवल एग्जाम या प्रोवाइडिंग फंडिंग टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी? विश्वविद्यालयों का प्रत्यानयन, विश्वविद्यालय के मानकों का समन्वय और निर्धारण, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करना या निजी विश्वविद्यालयों को वित्त पोषण प्रदान करना? बताइए करेक्ट ऑप्शन। शुरू में भी मैंने बताया था जब यूजीसी की 1953 में स्थापना हुई थी उस समय भी यही कहा गया था कि कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के भी मानक स्थापित करने थे, इसके अलावा क्या था, मानक और समन्वय निर्धारित करना मूल उद्देश्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी एज पर यूजीसी एक्ट ऑफ 1956? यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स या 10 इयर्स? जो उसमें आपको पता है कि 10 मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर टोटल होते हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को छोड़ के, तो उन मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? तो वो 10 मेंबर होते हैं और उनका कार्यकाल वाइस चेयरमैन की तरह क्या होता है, 3 साल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पे, हाउ मेनी क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन इन नेक? ठीक है, तो जब नेक की टीम, जो नेक की पीयर टीम है, वो यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में आती है मूल्यांकन के लिए, तो टोटल कितने क्राइटेरिया, किन मानदंडों के आधार पर वो ग्रेडिंग करती है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, कितने क्राइटेरिया हैं? 3, 5, 7 या 10? तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों 7, 7 क्राइटेरिया रहते हैं, 7 मानदंड रहते हैं जिसके आधार पर क्या होता है, नेक जो है वो मूल्यांकन करती है, असेसमेंट करती है इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। ये 7 क्या है क्राइटेरिया, वो आप नेट पे ढूंढ लीजिएगा, मैं बताना चाह रही थी बट मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है, ये चीजें नहीं पूछी जाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर देयर इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है, 1, 2, 3 या 4? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है उत्तराखंड में? तो आपने तुरंत आंसर दे दिया होगा,
केवल एक यूनिवर्सिटी है बच्चों, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, और उसका नाम क्या है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, HNBGU, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ यूजीसी वॉज डिमांडेड बाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिटी सिमिलर टू विच कंट्री। विश्वविद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किस देश के समान यूजीसी के पुनर्गठन की मांग की गई थी। ये आपको मैंने शुरू में पढ़ाया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा समिति कहती थी कि उस देश के समान, अब वो कौन सा देश है, उस देश के समान, उस कंट्री के समान यूजीसी की पुनर्गठन कीजिए, बिल्कुल उनकी तरह बनाए, उनका यूजीसी बिल्कुल ठीक है, बताएं। करेक्ट ऑप्शन है यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 37 स्क्रीन पे है, व्हाट इज यूजीसी, यूजीसी क्या है, स्टेचुअरी बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, बोथ या नन ऑफ दीज, सांवैधानिक निकाय, स्वायत्त निकाय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। शुरू में से मैं पढ़ाते आ रही हूँ, इट इज अ स्टेचुअरी बॉडी, संविधान में वर्णित है, यूजीसी के लिए एक्ट आया था, तो ये संविधानिक निकाय हो गया क्योंकि संविधान बना है इसके लिए, ठीक है, 1956 एक्ट बना है, संविधान बना है, इसलिए संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पे, व्हाट इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान सहयोग आयोग का मूल संगठन क्या है, मतलब इसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कौन प्रभावित करता है, किसने, मतलब कहीं ना कहीं किसका हाथ है इसके ऊपर, यही समझिए, ठीक है, मेनली किसका फोकस रहता है, पेरेंट मतलब मूल संगठन इसका क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, मैंने पढ़ाया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसका फोकस रहता है, या इसका ये क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के द्वारा यूजीसी की स्थापना भी हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के टाइम पे, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था MHRD, आपको पता है ना, अभी इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, पहले इसका नाम था MHRD, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि MHRD की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे MHRD की फुल फॉर्म क्या है, सभी बच्चे बताएंगे, जिसको आता है तो पता चलेगा कि आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है, पुणे, गुजरात, भोपाल या बेंगलुरु, बताएं, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बच्चों गुजरात। इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, इस ट्रिक को भी आपने बताना है, मैंने जो यूजीसी की वीडियो बनाई थी अभी मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको वहां से पढ़ना है, तो उसकी एक ट्रिक बताई थी इन रीजनल सेंटर को याद करने की, वो ट्रिक आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो ट्रिक क्या थी। तो करेक्ट ऑप्शन है गुजरात, गुजरात में क्षेत्रीय केंद्र नहीं है, बाकी पुणे, भोपाल और बेंगलुरु में इसके रीजनल सेंटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 40, इसका मैंने हिंदी नहीं दिया है, इंग्लिश ही दिया है, कोई बात नहीं, पढ़ना भी हमें उसी में, इंग्लिश में ही। द फुल फॉर्म ऑफ NIRF, बच्चों मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा NIRF, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो 2015 में इनके सिफारिश की गई थी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, इनको रैंकिंग प्रदान करनी है, रैंक देना है किसको वन है, किसको, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, JNU है, इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो उनको रैंकिंग प्रदान करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इसकी स्थापना की गई थी। तो आप बता सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंटीग्रिटी रिपोर्ट ऑन फ्यूचर, नेशनल इंटीग्रिटी रैंकिंग फ्रेमवर्क या नेशनल इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट ऑन फ्रेमवर्क। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी किसके लिए, अलग अलग कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को रैंकिंग प्रदान करने के। तो ये हमारे इंपोर्टेंट जो 40 क्वेश्चन, हमने सारा यूजीसी कवर कर लिया है। अब मैं कुछ आपको धाराएं बता देती हूँ बच्चों, जो मैं पिछली वीडियो में नहीं बता पाई थी, वैसे इसमें तो मैंने क्वेश्चन करा दिए, एक बार देख लीजिए आप लोग। आप कुछ पढ़ते हैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ये हमारा लास्ट रहेगा, तो इसमें इंपोर्टेंट चीजें हैं हमारी बहुत ज्यादा हैं, जो जैसे कि पहला है यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत सेक्शन 2F क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 2F कहता है कि यूनिवर्सिटी क्या है, किसे हम यूनिवर्सिटी मानेंगे, सेक्शन 2F डिफाइन करता है कि यूनिवर्सिटी क्या चीज है, विश्वविद्यालय क्या है, किसे हम विश्वविद्यालय मानेंगे। तो ये कहता है कि जो सेंट्रल एक्ट
ठीक है, केंद्रीय जो अधिनियम है, प्रोविंशियल एक्ट जो क्षेत्रीय अधिनियम है, और जो स्टेट एक्ट राज्य अधिनियम है, उनके अंतर्गत जिन्हें यूनिवर्सिटी घोषित किया जाता है वो ही हमारी क्या रहेंगी, यूनिवर्सिटी रहेंगी। सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, ठीक है। मतलब जिनको स्टेट बोल देगा, जिनको सेंट्रल बोल देगा, जिन्हें क्षेत्र प्रोविंशियल बोल देगा, तो वो हमारा एक्ट के अंतर्गत आएंगी, वो हमारी यूनिवर्सिटी होंगी। ये सेक्शन 2F करता है, यूनिवर्सिटी कौन सी है। सेक्शन 12B क्या कहता है, क्वेश्चन। सेक्शन 12B कहता है कि दिस सेक्शन प्रोहिबिशन ऑफ ग्रांट टू अ यूनिवर्सिटी नॉट डिक्लेयर बाय कमीशन फिट टू रिसीव सच अ ग्रांट अंडर एक्ट, ठीक है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को किसी ने, मतलब कोई कॉलेज बना, कोई यूनिवर्सिटी बनी, आप सोचिए, और वो जो यूनिवर्सिटी, देखिए सेंट्रल एक्ट है, प्रोविंशियल एक्ट है, और स्टेट एक्ट के तहत वो क्या होता है, यूनिवर्सिटी के लिए फिट नहीं होती है, जो यूनिवर्सिटी के मानदंड है उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं होती है, तो वो कह रहा है कि इनको कोई ग्रांट भी नहीं दी जाएगी। तो ये कौन कहता है, सेक्शन 12B। मतलब यूनिवर्सिटी जो बनी है 2F में जो डिक्लेयर करी है, उनके अतिरिक्त अगर कोई यूनिवर्सिटी है और उसको डिक्लेयर नहीं किया गया, मतलब जो मानदंड है वो पूरे नहीं करता है, तो सेक्शन 12B कहता है कि उनको कोई भी ग्रांट भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है, ये सेक्शन 22 इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी डिग्री प्रदान कर सकती है। तो विश्वविद्यालय को डिग्री प्रदान करने का अधिकार है, राइट ऑफ राइट टू गिविंग या राइट टू कन्फर डिग्रीज, ठीक है, बाय यूनिवर्सिटी। ये कौन डिसाइड करता है, सेक्शन 23। याद रखिएगा, जो डिग्री देने का अधिकार जो होता है वो सेक्शन 22 द्वारा मिलता है। सेक्शन 23 कहता है कि दिस सेक्शन प्रोहिबिट यूज ऑफ टर्म यूनिवर्सिटी बाय इंस्टीट्यूशन। अभी बताया था मैंने आपको कि कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी कॉलेज अपना नाम में यूनिवर्सिटी जोड़ता है तो वो क्या है, प्रोहिबिट है, मतलब पूरी रोक है इसमें। कि सेक्शन 23, धारा 23 कहती है कि हर कोई संस्थान अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय शब्द नहीं जोड़ सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहता है, देखिए 22 जो मैंने अभी बताया, 2F, 12B, 22 और 23 ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24 कहता है द सेक्शन स्पेसिफाइज द पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये धारा 24 कहता है कि जो अधिनियम बना है, एक्ट बना है, उसके अगर प्रावधान, जो मानदंड है उसका अगर उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। तो जो पेनाल्टी है, पेनाल्टी की बात सेक्शन 24 में की गई है। और लास्ट है सेक्शन 25। सेक्शन 25 कहता है एम्पावर्स द यूजीसी टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। ये धारा 25 कहती है कि यूजीसी को विश्वविद्यालय और कॉलेजों के मानदंड के रख रखाव और संबंध में नियम बनाने का अधिकार, मतलब यूजीसी, सेक्शन 25 कहता है कि यूजीसी को हमने अधिकार दिया है, वो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी या कॉलेजों के लिए क्या होंगे, जो भी स्टैंडर्ड है वो अपने हिसाब से तय कर सकता है उनको मेंटेन करने का। उनको अगर नया कुछ नया चेंज करना है, जैसे आपको पता है डिग्री कॉलेज में बीच में हुआ था, पहले कहा था कि नेट क्वालिफाइड है वो भी प्रोफेसर बन सकते हैं, बाद में कहा गया पीएचडी होना चाहिए। तो ये सारे मानदंड कौन निर्धारित करता है, ये करता है यूजीसी। तो उसको खुली छूट दी गई है कि आप अपने हिसाब से मानदंड बना सकते हैं। तो ये सेक्शन 25 में कहा है। और इस प्रकार हमारा यूजीसी का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको बता दी, कि कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपको ना आए, तो सारी चीजें आपको बता दी। जो जो क्वेश्चन बच्चों मैंने आपसे पूछे थे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। एमसीक्यूज की सीरीज भी, टीचिंग एप्टीट्यूड वो तो रहेगा ही रहेगा। मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत जगह से बहुत मेहनत करके क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें, तो आप और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।